न्यू बोली रे चिड़िया एक चिड़े ने ब्याहली हेरे वो आगी बने के घर वाली हेरे चिड़िया एक चिड़े ने ब्याहली वो आगी बने के घर माँ मर चुकी है, उन्हें तो ये पता है कि हमारी माँ रोज की तरह हमारे लिए खाना लेने के लिए गई है। पहली बात में कैसे लिखा, कैसे क्या बता? खाते होंगे भूख के रे भूख के सताए बच्चे मैया ने बुलाते होंगे भूख के सताए बच्चे मैया ने बुलाते होंगे आते होंगे पितारे घूम के लाड़े करेंगे मुख झूम झूम के आते होंगे घूम के लाड करे हमारे और झूम झूम के हो रे बंतर सारे रहे जाप भूखे की रे हसती चेहरे पे हरे चिड़िया एक प्याली वो आगी बने के घर आड़ी हो रामिल में बड़े गईया पे बैठे गया चढ़ारे मुड़े रे पे रामपाल गुरुजी रंडवा रंडवा इनकी गांव का नाम है, वैसे रंडवा नहीं है गुरुजी। हाँ, अच्छा। समझ बात है। हाँ। गुरुजी का बार बार धन्यवाद करते हैं।
रागनी की फरमाइश की और 100 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान किया, तहे दिल से बार बार धन्यवाद। सुनिएगा मेहरबानो, दूसरी बात में लिखा और बताया कवि ने कि जैसे ही वो नई चिड़िया उस घोंसले में प्रवेश करती है, पहली चिड़िया के छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उन्हें आते ही मार डालती है। मेहरबानो, आपने कई इतिहासों में सुना होगा कि मौसी कभी किसी की सगी नहीं होती, वो बिल्कुल सच्ची बात लिखी है। सुनिएगा कैसे बताया दोस्तों। दोनों नीचे गिर दिए पेट की दुफार करके, चिड़े की ना पार बसाई, रोया नीचे नारे करके, चिड़े की ना पार बसाई, रोया नीचे नारे करके, धर के सिला रे दा रद की धरे में बच्चे करे थे विलाप पहुंचेंगे बच्चे हैं रूप और बसंत, कल को ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं और राजा दूसरी शादी कर ले। अरे जैसे उस दूसरी चिड़िया ने पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को आते ही मार डाला, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ में भी यही घटना घटे। अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुला लिया, आंखों में आंसू ले आई, कैसे अपने बच्चों को निहारती है, कैसे पुचकारती है, क्या लिखा। जागते सबूत देखे, आँखों के माँ पानी भर के दोनों अपने पूत देखे, आँखों के माँ पानी भर के दोनों अपने पूत देखे, देखे जीव सा भी दुख भरते, औरत के फांदे जो फंसते, देखे जीव दुख मारे थे औरत के फांदे जो फंसते, जैसे ना
चाहूंगी रागनी सभी की समझ में आ रही है। बार बार धन्यवाद मेहरबानो। चौथी बात में पूरी रागनी का निचोड़ किया गुरुजी ने और रानी रूपमती अपनी बांदी को अपने पास बुलाती है। एक बात कहती है कि बांदी जा महल में, राजा को मेरे पास बुला के लेके आ। राजा को अपने पास बुला लिया, सारी घटना को बता दिया और देखिए मेहरबानो कुदरत की करनी। रानी ने ये कहा राजा से कि महाराज मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी मत करना। इतना कहते ही रानी स्वर्ग सिधार जाती है। कैसे तोड़ किया रागनी का ये बताया। और इस रागनी पर हमारे अजीज मित्र भाई विजय सिंह गांव जोनाचा कला इस बेहतरीन बहुत अच्छी रागनी पर मेरे अजीज मित्र मेरे दुख सुख के साझीदार इस रागनी पर 500 रुपए का मान सम्मान करते हैं। भाई के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। शरण दास की रावे पिया लगे करण लास की तुके बंदी गुरु हर शरण दास की ताली।